पेज मेकर में किसी भी इमेज को फ्लिप या मिरर कैसे करते हैं, बहुत सिंपल और इजी तरीका है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है। सबसे पहले जो काम करना है, एक पेज लेना है, तो यहाँ फाइल में जाके न्यू में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का डॉक्यूमेंट सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। जो भी पेज लेना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। नॉर्मल सा यहाँ पर पेज आ चुका है। अब राइट क्लिक कीजिए, फिर एक्चुअल साइज पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हैंड टूल पे क्लिक करके पेज को थोड़ा सा एडजस्ट हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब इमेज को लेकर आना है जिसे हमें फ़्लिप करना है और मिरर करना है। तो यहाँ पे देखिए फाइल में जाते हैं, जाने के बाद नीचे आइएगा, यहाँ प्लेस है, प्लेस पे या कंट्रोल डी है शॉर्टकट, प्लेस पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह से प्लेस का एक डायलॉग बॉक्स आता है। अब जिस जगह भी आपने इमेज रखा हुआ है उस फोल्डर में जाकर उस इमेज को लेकर आते हैं जिसे मुझे फ़्लिप या मिरर करना है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, मैं नॉर्मल से एक फ़ोटो लूँगा यहाँ पे, इस पर क्लिक किया, फिर यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद यस का इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, यस पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ़ोटो आ चुका है, ये देखिए फ़ोटो, थोड़ा सा इसको यहाँ से मैं स्केलिंग कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा है, ये देखिए इस तरह से मैं स्केलिंग कर लेता हूँ। ये इमेज देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब इसे मुझे फ़्लिप या मिरर करना है, तो इस फ़ोटो पर क्लिक करना है, इस टूल से पॉइंटर सिलेक्शन टूल से इस पर क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद एडिट में जाना है, फिर यहाँ से कॉपी कर लेना है, फिर एडिट में जाके यहाँ से पेस्ट कर देना है। अब क्या हुआ, हमारे पास देखिए दो इमेज आ चुका है, सेम देखिए इसी का एक कॉपी आ चुका है। अब जिस इमेज को भी आपको फ़्लिप करना है, चाहे इसको भी कर सकते हैं या इसको भी, तो इस पर क्लिक कीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा और ये है आपका कंट्रोल पैलेट, देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल पैलेट है। अब ये नहीं है तो सबसे पहले कंट्रोल पैलेट लेकर आते हैं, विंडो में जाके यहाँ पर शो कंट्रोल पैलेट पर क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल पैलेट आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इस कंट्रोल पैलेट पे, यहाँ पे इमेज सिलेक्टेड है, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कुछ ये वाला लास्ट वाला जो सेक्शन है यहाँ पे, ये एफ़ लिखा हुआ है, एफ़ लिखा हुआ है, ये आप यहाँ से आप हॉरिजेंटली फ्लिप कर सकते हैं, और नीचे वाला जो ऑप्शन है ये वाला बॉक्स है, ये वर्टिकली फ़्लिप कर सकते हैं। तो ऊपर वाला जो ऑप्शन है, मान लेते हैं इसे मुझे हॉरिजेंटली फ़्लिप करना है इस इमेज को, तो इस पर क्लिक कीजिएगा और ये जो एफ़ लिखा हुआ ऊपर वाला, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये फ़्लिप हो चुका है, मिरर हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे फेस देखिए इधर है, इसका फेस देखिए इधर है, सेम इमेज है, देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं इसको मुझे वर्टिकली अगर इसको फ़्लिप करना है तो क्या करेंगे, नीचे वाला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला अभी देखिए 180 में ये फ़्लिप हो चुका है। अब नीचे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख के भी समझ सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये देखिए इमेज देख सकते हैं, ये वर्टिकली देख सकते हैं यहाँ से फ़्लिप हो चुका है, यहाँ पर देखिए सिंपल है, ये देखिए फ्लिप हो चुका है। अब उसी तरह इसको पहले जैसा करना है तो 00 अगर टाइप कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए वो इमेज यहाँ पे आ चुका है, देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, अगर इमेज खो जाता है तो राइट क्लिक करके इसको आप ला सकते हैं पेज को, ये देखिए यहाँ पर क्लिक करके फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए, देखिए फ़्लिप हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि इमेज काफ़ी बड़ा होता है तो एक प्रॉब्लम ये होता है कि हो सकता है आप जब राइट क्लिक करके यहाँ से काम करते हैं, ये बहुत ही कॉमन सा एक प्रॉब्लम है पेज मेकर के अंदर, वो भी चलिए बता देता हूँ कि देखिएगा पेज आप काम करते करते कभी कभी इमेज इधर से उधर चला जाता है। तो अगर ऐसा कभी होता है आपके साथ तो राइट क्लिक करके यहाँ से फिट इन विंडो कर दीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे देगा, उसके बाद उसे आप लाकर फिर से पेज में रख सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इमेज को फ्लिप या मिरर करते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।